रामपुर सुहेलवा वन्य जीव प्रभाग बनकटवा रेंज अंतर्गत अतरपरी गांव के पास कचनी नाले पर पुल निर्माण का कार्य चल रहा है। मंगलवार सुबह उसी के पास तेंदुए का शावक ग्रामीणों को बैठा दिखाई दिया। सैकड़ों ग्रामीण एकत्रित होकर उस तेंदुए के शावक को गोद में उठा लिया, बनकटवा रेंज पर सूचना दी। सूचना पर वन विभाग टीम ने तेंदुए के शावक को कब्जे में लिया, रेंज ले जाकर डॉक्टर को बुलाकर परीक्षण कराया। मादा तेंदुआ शावक को छोड़कर कहीं शिकार की तलाश में गई थी। मंगलवार सुबह ग्रामीण शौच के लिए नाले के किनारे जा रहे थे कि तेंदुए का शावक मादा उम्र करीब 10 दिन बैठा दिखाई दिया। ग्रामीणों ने शोर मचाया, काफी लोग एकत्रित हो गए। ग्रामीणों ने उसे पकड़कर वन विभाग के सुपुर्द कर दिया। हालांकि शावक छूटने से ग्रामीणों में दहशत है कि मादा तेंदुआ उसकी तलाश में जरूर आएगी। इसके चलते वन विभाग की टीम मुस्तैद है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सुहेलवा वन्यजीव प्रभाग के बनकटवा बरहवा रेंज में कुछ दिनों से क्षेत्र के हनिया, भुजेहरा, टेढ़ी प्रास, लेबुड़वा, धामाचोरी आदि गांव में मादा तेंदुए को दो माह में 15 से अधिक जानवरों का शिकार कर चुकी है एवं दर्जनों ग्रामीणों को घायल कर चुकी है। बारा छीपा बड़ौद राजस्थान की एकमात्र प्रथम एवं विशिष्ट पहचान रखने वाली लहसुन मंडी, जिसमें लहसुन के अलावा कुछ और नहीं आती फसलें, बिकने मात्र लहसुन ही इस मंडी में बिकता है। सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों से आता है यहां लहसुन। मंडी में लहसुन बिकने, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के कारण यहाँ पर ना तो कोई किसान सुरक्षित है और ना कोई व्यापारी सुरक्षित है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार लहसुन मंडी में मंडी प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस लहसुन मंडी में हरनावदा जागीर निवासी व्यापारी लालचंद गुर्जर ने बताया कि 25 मई की रात्रि को 12 बजे के बाद लहसुन मंडी के यार्ड से चोरी हो गई थी, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं लगा। गुर्जर ने बताया कि 5300 रुपए क्विंटल की दर की 10 कट्टी लहसुन था, जिसका वजन 5 क्विंटल था और 26500 रुपए की कीमत का लहसुन चोरी हो गया था, जिसकी स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन आज तक कोई सुराग नहीं लगा। इस लहसुन मंडी में कोई भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉलियों में से लहसुन की कट्टियां समेत ट्रैक्टर ट्रॉलियों के पार्ट्स को भी चोरों द्वारा निकाल लिया जाता है। इतना ही नहीं, व्यापारियों के गोदामों और लहसुन मंडी में बने यार्डों में जमी लहसुन की कट्टियों को भी आए दिन चोरों द्वारा चोरी की घटनाओं को अंजाम देने से नहीं चूकते हैं। ये नाम मात्र की मंडी है, यहाँ पे ये जो शराबियों का लगातार इसमें आतंक है और जो ये शराबी तत्वों के जो लोग हैं, इनके द्वारा यहाँ पे जो ट्रैक्टरों में से किसानों के जो ट्रैक्टर है, जो वाहन से ये जो माल बेचने आते हैं, इनके भी जो सामान निकाल लिए जाते हैं, ट्रैक्टरों की बेटें निकाल ली जाती है और भी जो कई सामान है निकाल लिए जाते हैं। किसानों की जो माल है उनकी भी कट्टे लगातार चोरी हो रहे हैं और जो ये व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं ये भी परेशान है। कई बार मंडी प्रशासन को भी अवगत करा दिया गया, इसमें CCTV कैमरे भी नहीं है। और पहले चोरी हुई थी ना जी, तो राम सिंह चौकीदार था यहाँ का, तो उसने बताया वहाँ का नाम पैसा ले था, वहाँ से वो चौकीदारी करता था उसकी, तो पैसा ले था, तो वहाँ नाम दर्ज रिपोर्ट कराई, तो आज भी कुछ भी कायम होता कहीं वो उसको भी नहीं पकड़ रहे, नहीं लग रहा। तो अभी आपने अभी भी नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज करवाई? नाम दर्ज तो दुकान पे खड़े पहले कैसा आ गया था ना मंडी में खड़े मंडी, तो आप तो अभी किसी कोई के आधार पे रिपोर्ट दर्ज करवाई आधार पे किसी को नाम नहीं आप यहाँ तो ऐसे आपके जैसे तो यहाँ पे काका है व्यापारी होंगे बहुत है बस, और उसके अलावा कोई नहीं बहुत व्यापारी सब्जी हो रही चोरी पहले के टाइम में 19 थैली की बोल रहा था 19 लाट पड़े हैं 19 बोरी है तो निश्चित काल बंडी बंद कर दिया। हाँ और आगे से भरेगा, इस साल मेरी की है महंगे भाव में, चलिए आगे से भरेगा दुकान का कोई है। ये तो यहाँ के जो ये मंडी प्रशासन है, जो व्यापारी जो है छोटे आज भी किसान से ब्याज वाली सोच कर ला रहा था काम कर रहा था ये हो। अब क्या आप क्या करना चाहते हैं, जैसे आपकी जो ये चोरी है, चोरी का जैसे पता नहीं लगा तो अब आगे की क्या स्थिति रहेगी, क्या करेंगे आप? एक तो CCTV कैमरा लगाने के लिए, और एक चोर उठा था तो यहाँ पे जो चौकीदार है, जो यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है, ये क्या करते हैं? चौकीदार क्या करेगा, इनकी साइड में ऐसे हम किसी के बदल में सर थोड़ी सी बात में वहाँ डबल वहाँ होगा फरुखाबाद विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर CP इंटरनेशनल स्कूल ने पर्यावरण दिवस का ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा आयोजन किया।
पीसी विद्यालय समूह के निर्देशिका डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल ने बताया कि जो लोग पेड़ नहीं लगा सकते हैं, वह किसी भी पेड़ को पानी देने या उसकी सुरक्षा से संबंधित प्रयास करके प्रकृति का सहयोग कर सकते हैं। उपनिदेशिका अंजू राजे ने अपने संदेश में प्रकृति के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर विनोद चंद्र शर्मा ने सभी शिक्षकों और बच्चों को अपने संदेश में बताया कि मनुष्य प्रकृति से बहुत अधिक छेड़खानी कर चुका है, इसलिए अब हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि उसे पुनः समृद्ध बनाने का प्रयास करें। हेड मिस्ट्रेस संदीप कुमार ने बताया कि प्रकृति ही हमारा भविष्य है। छात्रों ने संदेश पाते ही अपने घरों में, बगीचों में, खेतों में और गमलों में पौधे लगाने का तत्काल प्रयास किया और पर्यावरण दिवस पर देर शाम तक बच्चे पौधे लगाते हुए, पानी डालते हुए अपनी फोटो भेजते रहे। कुछ छात्रों ने पर्यावरण दिवस पर चित्रकारी के माध्यम से पेड़ पौधों को लगाने व सुरक्षित रखने का संदेश दिया। इससे ज्ञात होता है कि छात्रों में प्रकृति के प्रति काफी उत्साह है। रायबरेली अभिनेत्री से राजनेता बनी स्मृति ईरानी का सेलिब्रिटी दर्जा आज भी बरकरार है। पिछले दो दिनों से अपने लोकसभा इलाके के रायबरेली जिले में पड़ने वाली सलोन विधानसभा क्षेत्र में इसकी बानगी सामने आई है। यहां फरियाद लेकर आई महिला भीषण गर्मी में किसी तरह भीड़ को चीरती हुई स्मृति ईरानी तक पहुंची तो अपनी समस्या भूलकर सेल्फी लेने में मशरूफ हो गई। हम बता दें कि स्मृति ईरानी इन दिनों लगातार अपने संसदीय क्षेत्र के सलोन विधानसभा में लोगों से जनसंवाद कार्यक्रम कर रही हैं। कल यहां दो दिवसीय दौरे पर पहुंची स्मृति ईरानी ने आज डीह ब्लॉक के टेकारी दांदू से जनसंवाद कार्यक्रम शुरू कर डीह कस्बे पहुंची तो यहाँ बीज भंडार प्रांगण में फरियादी उनका इंतजार करते मिले। स्मृति ईरानी यहाँ न केवल एक एक फरियाद से मिली बल्कि उनकी समस्याओं से रूबरू होते हुए साथ चल रहे अधिकारियों को निर्देशित भी किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि वह 2014 से लगातार अमेठी के लोगों से मिलती रही हैं। 2019 से सतत तौर पर वह बूथ स्तर तक पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं दूर करने का प्रयास करती रही हैं। उन्होंने कहा कि अमेठी के इतिहास में शायद मैं पहली सांसद सरकार की परिकल्पना को साकार करते हुए ग्रामीणों के पास तक पहुंचती हूँ। आप ही मुझे दीदी कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? मैं इतना ही कहूंगी कि मेरा सौभाग्य है आप सब मुझे सतत 2014 से यहाँ देख रहे हैं। मैं 2019 के चुनाव की जीत के बाद विशेषतः कृतज्ञता अपना भाव जो है वो अर्पित करना चाहूंगी। योगी सरकार में जिला प्रशासन ने विशेषतः सलोन में एक एक गाँव और ग्राम पंचायत के लोगों के माध्यम से उनकी समस्याएं सुनते हुए समाधान तक पहुंचाने का प्रयास किया है। शायद ही कभी अमेठी लोकसभा क्षेत्र के इतिहास में यह हुआ हो कि एक सांसद हर ग्राम पंचायत तक, हर बूथ तक खुद पहुंचा हो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि अनेकों बार। तो ये मेरा सौभाग्य है कि जनता इस उम्मीद के साथ आती भी है, प्रशासन के सभी अधिकारी संग रहते हैं ताकि जनता को मुख्यालय तक पहुँचने की जद्दोजहद ना करनी पड़े। सरकार खुद चल के उनके द्वार आती है, ये मोदी योगी के युग में ही संभव है। धन्यवाद। बुलंदशहर में टचनबाजी के चलते घर के बाहर बैठे युवक पर लोगों ने लाठी डंडों से किया हमला। हमले के दौरान युवक हुआ घायल। हमलावर को लगी गोली। दोनों पार्टियों के बीच टचनबाजी को लेकर कई दिन से चल रहा था विवाद। दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से हायर मेडिकल सेंटर किया गया रेफर। पुलिस बारीकी से मामले की जाँच में जुटी। थाना बीबी नगर कस्बे की घटना। ये मेरा लड़का घर के बाहर दरवाजे पर बैठा था, इतने ही दो लड़के खैरपुर के बाइकों पर आए, उन पर खलुए डंडे और तमंचे थे दोनों पर। और मेरा लड़का एकदम जो वहाँ झगड़ा हुआ है, फायर की आवाज़ आई है अंदर मुझे, और भाग के एकदम मेरा लड़का भीतर आया, पापा ये मुझे ऐसे ऐसे मार गए। तो सारा चौक में खून खान हो गया। मैं तुरंत ले कर थाने गया तो थाने पहुँचने के बाद में यहाँ हॉस्पिटल आए हैं और अब ये रेफर कर रहे हैं, बाहर लेके जा रहा हूँ मैं किसी अच्छे हॉस्पिटल। राघोगढ़ में आज कामकाजी बैठक मनीष गार्डन रुठियाई में रखी गई है, जिसमें महिला मोर्चा के अध्यक्ष सपना साहू, जिला उपाध्यक्ष श्रीमती पिस्ता ओझा, श्रीमती संध्या राज सिंह लोधी, श्रीमती अर्चना जादौन, श्रीमती सरोज जादौन, पूजा सुरेश, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष ने सभी को संबोधित किया। किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष कल्याणपुरी गोस्वामी का संबोधित हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां बताई गईं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहना योजना की उपलब्धियां भी बताई गईं। मीटिंग बहुत सार्थक रही। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर लाडली बहना योजना के लाभ एवं फॉर्म की जानकारी संदर्भ में मीटिंग में बात रखी गई। जो बैठक रखी गई है
मोदी जी के 9 साल पूरे होने पर हमने आज बैठक रखी है, कामकाजी बैठक। लगभग एक आरएसएस से मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी से महिलाएं जुड़ रही हैं, जो 35 वर्ष से ऊपर की हैं वो दुर्गा वाहिनी में हैं और उससे छोटी मातृशक्ति उसमें संगठन में हम लगातार जोड़ रहे हैं। एमपी में राजगढ़ जिले के सारंगपुर नगर में कांग्रेस कार्यालय का लोकार्पण पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कर कमलों से किया गया। इस दौरान विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन से पहले दिग्विजय द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि शिवराज सरकार में शासन प्रशासन नहीं धंधा चल रहा है, वह भी कमीशन का। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का सबसे बड़ा कांड व्यापम घोटाला रहा, जिसके कारण मंत्री भी जेल जा चुके हैं। व्यापम की सही जांच हो तो जांच की आंच शिवराज तक भी पहुंच सकती है। दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उज्जैन महाकाल लोक मूर्तियों के मामले में 80% कमीशन खाया है। दिग्विजय सिंह ने महाकाल लोक मामले में कहा कि गुजरात की कंपनी को ठेका देकर पत्थर की मूर्तियों की जगह फाइबर की मूर्तियां लगवा दी, जिन्होंने महाकाल लोक निर्माण में कमीशन खाया उन्हें भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस शासन की योजनाओं पर बोलते हुए कहा कि हमने पंचायती राज दिया, किसानों को फ्री बिजली दी, गरीबों को एक बत्ती कनेक्शन दिए, लेकिन भाजपा सरकार ने वे सारी सुविधाएं छीन ली। दिग्विजय सिंह ने कहा कि रास्ते में जगह जगह स्वागत देख लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही है। कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं को 1500 रुपए महीना सम्मान निधि के साथ बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ रेट में दी जाएगी। ओल्ड पेंशन भी बहाल कर दी जाएगी। भाजपा ने भ्रष्टाचार को एक नया स्वरूप दे दिया। यहां शासन प्रशासन नहीं चल रहा, धंधा चल रहा, हर चीज में कमीशन है, हर चीज में व्यवसाय है, पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में सरकार डूबी हुई है। अगर आप देखेंगे जैसे ही सरकार बदली, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, डंपर कांड हुआ, उसके बाद एक के बाद एक भ्रष्टाचार के कांड होते चले। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।